शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, ये लोग जो शिर्क करते हैं अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है, कहां का उठना और कैसी कयामत? ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना, और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सबको जानता है। और आसमान और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर ये कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार कयामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्मा बरदार हो जाती हैं, और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था। भला तुम क्या करते रहते थे? और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा, तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें, और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें? बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल।
ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। कह दो, मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मोहतरम बनाया है, और हर चीज उसी की है, और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार रहूं, और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। अब जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं, और कहो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पासीम मीम। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ऐ पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को जबह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था, और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें, और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और न तो खौफ करना और न रंज करना, हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और बाद में इसे पैगंबर बना देंगे। सो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा यह होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर गलती पर थे, और फिरौन की बीवी ने कहा कि यह मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें, और वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया, अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गम को जाहिर कर देती। हम चाहते थे कि वो मोमिनों में रहें, और वालिदाए मूसा ने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही, और उन लोगों को कुछ खबर न थी, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैरखाही से परवरिश करें। सो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया, और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे, तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है तो मैं भी आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार ना बनूंगा। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है, तो नागहां वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू तो बड़ा बहका हुआ है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो।
और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया, बोला कि ऐ मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरखा हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं, और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और ले जाती चली आती थी, मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो, अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझको मार डालेंगे, और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे, मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे, तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा कि ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता, सो ऐ हामान, मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया, सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोजख की तरफ बुलाते थे और कयामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी, और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी।
और वो कयामत के रोज भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था तो तुम तूर की मगरिबी जानिब नहीं थे और न इस वाके के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, और हां हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे, और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया खबरदार करो ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा न हो कि अगर उन आमाल के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाकई हो तो ये कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थीं वैसी इसको क्यों नहीं मिली? क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया? कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुआफिक, और बोले कि हम सबसे मुनकर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और हम पैदर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ऐ नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने इनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं बतौर रिस्क हमारी तरफ से, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी ऐश वाली जिंदगी में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके बाद हम ही वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के बाशिंदे जालिम हों। और ऐ लोगों, जो चीज तुमको दी गई है सो वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है, क्या तुम समझते नहीं? भला जिस शख्स से हमने अच्छा वादा किया और वो उसे हासिल करने वाला है तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी के फायदे से बहरामंद किया, फिर वो कयामत के रोज उन लोगों में हो जो गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे? और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा सो कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था? तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह हमने इनको गुमराह किया था, अब हम तेरी तरफ मुतवज्जे होकर इनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ सो वो उनको पुकारेंगे तो वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते।
और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था, तो उस रोज उन पर खबरें बंद हो जाएंगी, फिर वो आपस में कुछ भी न पूछ सकेंगे। सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है, इनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक व बालातर है, और इनके सीने जो कुछ मख्फी करते हैं और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है, और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा कयामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे, तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा कयामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो, तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहां है, और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर ज्यादती करने लगा, और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती। जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में तालिबे फसाद न हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला कि ये माल मुझे मेरे एक हुनर के सबब मिला है। क्या उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थीं हलाक कर डाली थीं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा? तो एक रोज कारून बड़ी आराइश और ठाट से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे कि जैसा मालूम मता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़े नसीब वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस, मोमिनों और नेकुकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहां तैयार है वो कहीं बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा। बस हमने कारून को और उसकी हवेली को जमीन में धंसा दिया तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धसा देता। हाय खराबी, काफिर कामयाब नहीं होते। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर सिला होगा, और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे। ऐ पैगंबर, जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें पहली जगह लौटा देगा। कह दो कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया, और उसको भी जो खुली गुमराही में है। और ऐ नबी, तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाएगी, मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई, सो तुम हरगिज काफिरों के मददगार न होना। और वो तुम्हें अल्लाह की आयतों की तबलीग से बाद इसके कि वो तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक न दें, और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो, और मुशरिकों में से हरगिज न हो जाना, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझ कर न पुकारना, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी जात पाक के सिवा हर चीज फना होने वाली है, उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। ऐ मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे कयामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते, बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? यह अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर कयामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वो गालिब है हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी
और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया, क्या तुम मर्दों की तरफ मायल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहां के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहां रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रस्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया, और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे, तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया, और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते, ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब है हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है।